हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गुलजार हुसैन, आप देख पा रहे हो टेक्निकल गुलजार। तो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा रियल मी मोबाइल के नेविगेशन बटन कैसे हाइड करना है। तो इसको चेंज भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने हाइड किया है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं करेगा। देख सकते हो यहाँ पर शो नहीं करेगा, अब यहाँ पर शो करेगा, साइड पर शो करेगा। कैसे? साइड से बैक है और ये होम पेज है। जैसे कि रिसेंट फाइल भी है, होम फाइल भी है। तो इसको ऑन करने में क्या करना पड़ेगा मैं दिखा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। यहाँ पर आपको देख सकते हो ये रियल मी मोबाइल है और यहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे कि सेटिंग पर क्लिक करोगे तो नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो कॉन्बना इंस्टॉल्स, अब इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो नेविगेशन बटन, आप इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। ये रियलमी C21 है न्यू मोबाइल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैक, आपको ऐसे करोगे तो बैक हो जाएगा और बैक टू होम स्क्रीन। अगर यहाँ से आपको होम स्क्रीन पर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा इस तरफ, ऊपर साइड से, नीचे से ऊपर साइड पर जब स्क्रॉल करोगे तो वो होम पेज पर आ जाएगा। अगर रिसेंट फाइल पर जाना है, वही जगह पर आपको फिर से जाना है, तो आपको करना क्या है, इस तरीके से स्क्रॉल करके रखना है और इसे क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो मैं फिर से यहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर लिखा है व्यू रिसेंट टास्क, क्योंकि इस तरीके से करके रखोगे तो यहाँ पर जितना रिसेंट फाइल है वो सब आ जाएगा प्ले स्टोर। यहाँ पर रिसेंट फाइल देख सकते हो, यहाँ पर प्ले स्टोर आया और यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग, ये रिसेंट फाइल। इस तरीके से अगर स्क्रॉल करके रखोगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर स्विच बटन रिसेंटली ओपन एप्स, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस स्विच टू इसे ऑन करोगे तो आपको क्या है, अगर इस तरीके से बैक करके ऐसे रख दोगे तो आप पहले जो ऐप पर थे वही ऐप पर चला जाएगा। जैसे कि मैं प्ले स्टोर पर था, यहाँ पर आ गया और फिर से बैक साइड से इस तरीके से करके यहाँ पर होल्ड करके रखोगे तो फिर से सेटिंग पर चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, और विजुअल बटन पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से बैक बटन आ जाएगा। देख सकते हो इस तरीके से इसे हाइड करना है तो यहाँ पर स्वीप गेस्ट फ्रॉम बोथ साइड पर क्लिक करना है और यहाँ पर वो अपना बटन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आपको और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ वीडियो चाहिए तो मेरे कोई भी एक वीडियो में जाके कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।